师傅。हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ध्रुव व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज ध्रुव के लिए गुड न्यूज़ है। ध्रुव अभी नहीं उठा है, सो रहा है, बट ध्रुव की छोटी बुआ वापस आ गई हैं और जिन्हें देख के वो बहुत खुश होने वाला है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि ध्रुव उठेगा और अपनी बुआ को देख के कैसे रिएक्ट करेगा। सो गाइज, अभी ध्रुव की बुआ अपना ऑफिस कर रही हैं, ये देखो आने के बाद, और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कहीं घूमने चलते हैं आसपास ही। तो जैसे ही ध्रुव उठता है मैं उसको नहला के फटाफट तैयार कर दूंगी और फिर हम सब जाएंगे कहीं ना कहीं घूमने और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सो गाइज, अभी इन लोगों का ऑफिस चल रहा है और ध्रुव भी सो रहा है, तो मैं अभी जा रही हूँ लंच प्रिपेयर करने। देखते हैं आज लंच में क्या बनाती हूँ। सो गाइज, मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बनाने जा रही हूँ करेला नॉन स्टॉप और भिंडी की सब्जी लंच में, जिसके लिए मैंने बहुत सारी प्याज काटी है क्योंकि भिंडी में भी बहुत ज़्यादा प्याज डलती है और करेले में भी बहुत ज़्यादा प्याज डलती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं करेला बनाना। तो गाइज, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने। और जैसे कि काफ़ी लोगों के कॉल आए हैं, मम्मी के भी, ध्रुव की दादी के भी, ध्रुव की बुआ के भी, कि ध्रुव के लिए कुछ परचेज कर लेना हमारी तरफ से होली के लिए। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज मैं जाके ध्रुव के लिए कुछ होली के कपड़े खरीद लूँ। तो उससे पहले मैं जल्दी से लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर हम लोग लंच करके जल्दी से ध्रुव की बुआ के साथ बाहर जाएंगे। गाइस, ये देखिए इधर बन चुकी है मेरी भिंडी और एक तरफ बन रहे हैं मेरे करेले। सो फाइनली गाइस, मेरा लंच रेडी हो चुका है, बस मैं इसके पापा का वेट कर रही हूँ। जैसे ही वो आ जाएंगे फिर हम लोग सर्व करते हैं। और ध्रुव के सोने से मेरा बहुत काम जल्दी से कंप्लीट हो जाता है, जितने वो जगा रहता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा उसी के साथ निकल जाता है। मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, मतलब वो अगर जगा रहता है तो, और इंतज़ार करती हूँ कि कैसे ही वो सो जाए और मैं जल्दी से लंच बना लूँ उसके लिए भी और हम सब के लिए, या डिनर जो भी मुझे बनाना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जब मुझे घर का कुछ काम करना होता है तो मैं उसे सुलाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे वो सो जाए और मैं जल्दी से झटपट अपना काम कंप्लीट कर लूँ। और आज मैंने लंच में बनाया भिंडी, करेला और ध्रुव के लिए बनाया मसाला ओट्स प्लस बूंदी वाला रायता। तो इस सीज़न में मैंने सब, मतलब अभी तक पहली बार भिंडी बनाई है। लेट्स सी आज कैसी लगती है। ध्रुव क्या कर रहे हैं। गाइस, ध्रुव इधर अभी भी सो रहा है, देखो कितने प्यार से सो रहा है। और देखते हैं ध्रुव की बुआ क्या कर रही हैं। ये देखो गाइस दोनों, हाय, क्या कर रहे हो दोनों? पढ़ रहे थे। ओके, ग्रुप स्टडी चल रही है। तो गाइस, हमारे फोर जनरेशन वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि ध्रुव के छोटे दादू और बड़े दादू दुबई घूमकर आए थे, तो उसके बाद आशी इधर आज ही आई है, तो वो हमारे लिए कुछ लेकर आई है। देखा हो आशी क्या लाई हो? चॉकलेट्स, दुबई की फेमस चॉकलेट्स। इसकी ओपनिंग चल रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए, बिकॉज मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, स्पेशली आउट ऑफ दुबई की। वाह, इसकी पैकिंग कितनी अच्छी है। लो, मैं ओपन करके दो। यो, वाओ यार, कितनी यमी है। इसके अंदर डेट्स हैं। ये तो हेल्दी भी आशी। हेल्दी चॉकलेट्स है काफी। नाइस, थैंक यू वंस अगेन। ये पूरा पैकेट मेरे लिए है। हाँ, और क्या? सच में? हाँ। वाओ यार, ये तो बहुत यम्मी और हेल्दी चॉकलेट है। Yes. चलो भैया को भी खिलाती हूँ, ध्रुव को भी दूंगी मैं। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। तो गाइस, ध्रुव अभी उठ चुका है और वो अपनी बुआ के पास बैठा है। देखते हैं, इसकी शैतानियाँ शुरू हो गई है, इसीलिए मम्मा ने ध्रुव के उठने से पहले अपना काम कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ध्रुव उठने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू गाइस, ये देखो हाई फाई हाई फाई कर रहे बुआ को। ध्रुव, ध्रुव इधर देखो,
गाइस ये ध्रुव की बुआ इन्हें नई नई चीजें सिखाती रहती हैं। कर रहा है देखो। ये देखो ध्रुव एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। के पापा आ चुके हैं और ध्रुव भी उठ गया है, तो अब हम लोग जल्दी से लंच कर लेते हैं और फिर हम लोग निकलेंगे कहीं घूमने के लिए, थोड़ी बहुत छोटी मोटी होली की शॉपिंग। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं ध्रुव के साथ ध्रुव की होली शॉपिंग के लिए और इधर ड्राइव कर रहे हैं। क्या मिलता है आज हमें, तो देखते हैं कैसे कैसे कपड़े मिलते हैं, क्या चीजें लेते हैं हम लोग। गाइस ध्रुव गाड़ी में बिल्कुल भी शांत नहीं बैठता है, इसको हमेशा शैतानियां करनी होती है छोटी छोटी। क्या हुआ ध्रुव? हाँ क्या हुआ? हाथी राजा बोलो। हाथी राजा ध्रुव, ध्रुव ने आज पहली बार हाथी राजा बोला है। ध्रुव बहुत एक्साइटेड हो रहा है, देखो जाने के लिए बाहर निकलते हैं, इतना अच्छा लगता है घर से बाहर निकलते हैं। हम बस अब पहुंचने वाले हैं। बढ़िया ध्रुव का हाथ ही और जा रहा है, देखो जरा पीछे ध्रुव। गाइस हमने यहाँ पे थोड़े थोड़े कुछ शॉपिंग कर ली है और अभी हम लोग जाएंगे ध्रुव के लिए कपड़े लेने के लिए। और ये देखो ध्रुव कैसे घूम रहा है, हो गया हमारा। इस ध्रुव की शैतानियां देख लो आप।
हम लोग जा रहे हैं ध्रुव की शॉपिंग के लिए। ध्रुव आओ, खुद अपने कपड़े निकाल निकाल के ला रहा है ये और बोल रहा है वाओ, अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये अपने कपड़े ट्राई करके देख रहा है, ये देखिए कितने प्यारे कपड़े लग रहे हैं इसके। गाइस हमने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है ग्रुप के लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं बिलिंग काउंटर पे। सो गाइस ध्रुव को अचानक वहाँ पे एक बहुत क्यूट सी बेबी मिली। हेलो ध्रुव, अरे ध्रुव तो भाग रहा है। बहुत शैतान है ये लोग। फाइनली हमारी बिलिंग हो रही है और हम लोग बस निकलने वाले हैं यहाँ से। और ये देखो ध्रुव कितनी शैतानियां कर रहा है। फाइनली हमारी शॉपिंग पूरी हो गई है और अब हम जा रहे हैं। देखो ध्रुव आगे कैसे बैठा है। सो गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं ध्रुव के लिए शॉपिंग करके। हमने कुछ थोड़ा बहुत घर के लिए भी लिया है और एक दो चीज़ें मैंने अपने लिए भी ली हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। कल के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हम लोगों ने ध्रुव के लिए क्या क्या लिया है और आई होप आपको अच्छा लगेगा हमारा आज का व्लॉग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स। पिछले व्लॉग्स को आपने हमारे बहुत प्यार दिया है और आगे भी प्लीज़ देते रहना। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।